हेलो एवरीवन वेलकम टू एल इट्स ग्रेट सो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पैराजाम्बुल्स सो वी अंडरस्टैंड पैराजाम्बुल्स मींस यू नो यू हैव टू फॉर्म अ कोहरेंट पैराग्राफ तो आपको लिंकेजेस देखने हैं बट इट्स नॉट सफिशेंट समाइम्स यू कैन गेट रियली कंफ्यूज तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगे टू नो सेंटेंस शुड कम बिफोर उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी विल डिस्कस टूडे इज द क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस तो हमें जो भी इवेंट्स या जो भी सिचुएशंस मेंशन है उनकी टाइमलाइन भी देखनी होती है द टाइम एट विच दे आर हैपनिंग तो लाइक like वो पास्ट में हो रहा है या वो प्रेजेंट में हो रहा है या वो फ्यूचर में हो रहा है अगर हम सेंटेंस के मीनिंग के साथ वी पे अटेंशन टू द टेंस ऑल्सो देन इट कैन बी रियली हेल्पफुल नाउ वाई इट इज हेल्पफुल सी इफ आई हैव टू मास्टर अ थिंग आई शुड नो वॉट दैट थिंग इज तो पैराजम्बर्स क्या होते हैं सेंटेंसेस जो एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में से ब्रेक किए हुए और फिर अरेंज किए हुए किसी पैटर्न में सो इफ आई अंडरस्टैंड कि ऑथर जो ये इंफॉर्मेशन लिख रहा था उसका माइंडसेट क्या हो सकता है इट कैन हेल्प मी टू अरेंज दी सेंटेंसेस सो उसमें से एक बहुत कॉमन पैटर्न जो ऑथर्स या राइटर्स इवन इफ यू राइट यू गुड ऑल्सो नो एक बहुत कॉमन पैटर्न होता है कि हम पास्ट का कुछ बताते हैं फिर हम प्रेजेंट पे आते हैं फिर हम उसकी कुछ फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी बताते हैं लेट्स कि अगर हमें ऐसे लिखना है वुमेन की कंडीशन पे तो हम पहले बताते हैं यू नो इन पास्ट दे यूज टू बी ट्रीटेड एज गॉडेस एंड ऑल सच थिंग्स तो प्रेजेंट में देर आर सर्टन इशूज विद दर सेफ्टी और सम अदर डिस्क्रिमिनेशन देन मे बी इन फ्यूचर यू नो दैट डिस्क्रिमिनेशन विल गो अवे वी आर फिलिंग दैट गैप तो एक बहुत कॉमन पैटर्न होता है लाइक like, इंडिया की या फिर हम लोग बात करें इंडिया के पास इंडिया की स्टोरी के बारे में तो ठीक है यू नो बिफोर बिफोर ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज इंडिया इट यूज टू बी कॉल्ड अ गोल्डन स्पैरो देन यू नो इट बिकेम अ कॉलोनी सो उसके बाद बहुत पॉवर्टी हुई टुडे वी आर रियली सफरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट बट इन फ्यूचर वी आर लाइकली टू बी इन टॉप थ्री इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड तो एक ये फ्लो होता है जो बहुत कॉमन है या फिर इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन में दिखेगा कि यू नो अर्लियर दिस रिवर यूज टू बी सो ब्यूटिफुल बहुत अच्छी रिवर थी क्रिस्टल क्लियर वाटर बट नाउ इट इज पोल्यूटेड फुल ऑफ वेस्ट देर इज़ नो वाटर इन इट और फिर फ्यूचर में मे बी मोर सच रिवर्स विल बी अफेक्टेड तो ये कॉमन एक ट्रेंड होता है तो इसमें हम क्वेश्चन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि थोड़ा सा टेंसेस पे ध्यान देना है आपको ये देखना है कि सेंटेंस में कुछ सेंटेंसेस होंगे जिसमें विल, विल बी मतलब फ्यूचर के ज्यादा ऐसे वर्ब्स आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं या फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं तो काफी चांस होता है कि वो टुवर्ड्स द एंड में आ रहा होगा वो सेंटेंस कुछ मतलब एक ही जंबल में मल्टीपल टेंसेस यूज्ड है कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें वाज वर टाइप यूज है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट के मतलब टेंसेज यूज हैं कुछ फ्यूचर के भी सेंटेंसेज हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि पास्ट वाले पहले आएंगे फ्यूचर वाले बाद में आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे होगा ऐसे हो सकता है कि पहले हम कोई प्रेजेंट कंडीशन बता रहे हैं और उसके पॉज के लिए हम लोग उसका कुछ पास्ट का रीजन uh, दे रहे हैं बट वो सिनारियो फिर ये वाला नहीं होता इट्स एन एक्सेप्शनल थिंग उसमें तो ये होता है वी आर अ प्रॉब्लम एंड देन टॉकिंग अबाउट इन इन डिटेल कि भाई उसके क्या कॉज हैं ये कोई अनादर प्रिंसिपल है जो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे बट ये एक्सेप्शनल केसेस और उसमें सेंटेंस की फॉर्मेशन ही ऐसी होगी कि आपको पता चल जाएगा वो उसका कॉज है वो उसको और डिटेल एनालिसिस हो रहा है दैट्स अनादर थिंग बट जब नॉर्मल एक सिचुएशन के आपको अलग अलग वो दिए होंगे टेंसेस और उसमें से कॉज वाला रीजन नहीं है तो बहुत चांस होता है कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा हो सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू अ क्वेश्चन जो कैट के प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कैट ट्वेंटी में आया था so the four sentences are the us has long maintained that the northwest passage is an international strait through which its commercial and military vessels have the right to pass without seeking canada's permission to so meaning ke sath sath hame tense bhi observe karna hai meaning kya hai कि कोई स्ट्रेट की बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट पैसेज स्ट्रेट यू नो बहुत क्रूशियल होती है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही होती हैं तो अगर किसी का यहाँ पर कंट्रोल होता है तो फिर उसका मूवमेंट शिप्स की इन सब पे बहुत कंट्रोल आ जाता है एवरी कंट्री वांट्स कंट्रोल ओवर सच एरियाज सो इन दैट केस ये भी वही वाला केस है सो लाइक दिस नाउ दिस इज अबाउट नॉर्थ वेस्ट पैसेज तो यूएस कह रहा है कि यूएस कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज पे उसकी राइट right है उसको कैनेडा की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है एंड दिस इज अबाउट प्रेजेंट है ठीक है वो पहले stance, पर स्टैंड तक है। द ग्रुप ऑफ आईलैंड नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन एटीन एटी कुछ पास्ट का हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है यहां पर कि कैनेडा ने पास्ट में ही एक्वायर किए हुए हैं

अब ये कह रहा है कि एक्चुअली में बिकॉज ऑफ ग्लोबल वो वॉट एवर रीजन ये वैसे भी आइस फ्री होने वाला है एरिया तो ये ये एरिया जो 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 एक स्ट्रेट थी ये इतनी सिग्निफिकेंट रहेगी नहीं इसके आसपास की आइस मेल्ट हो जाएगी किसी की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो कह रहे है डिस्प्यूट कोई बहुत लंबा नहीं चलने वाला फ्यूचर में तो आइस ही नहीं बचनी तो हमें स्ट्रेट्स की सिग्निफिकेंस ही नहीं बचेगी तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमें फ्यूचर की कंडीशन बता रहा है रहे दू एस इन कैनेडा द क्वेश्चन ऑफ एक्सेस थ्रू द पैसेज बट हैव एन वेयर बाय यू एस नीड्स टू सी कैनेडा कंसेंट फॉर एनी ट्रांसिट तो प्रेजेंट कंडीशन बता रहे कि प्रेजेंट उनका क्या स्टेटस है कि अभी कोई ऐसे सेटलमेंट नहीं हुआ कि ये किसको बिलोंग करता है पैसेज बट अभी क्या है कि यूएस को परमिशन लेनी पड़ती है यूएस कनाडा uh, का कंसेंट चाहिए होता है तो ये हमें प्रेजेंट जो स्टेटस uh, है वो बता रहा है तो आप ऑफ कोर्स मीनिंग से तो कनेक्टेड होते हैं पैर जम वस्तु वैसे कर ही सकते हैं कि ये दोनों अपना अपना क्लेम कर रहे हैं एंड देन यू नो अभी तक सेटल है नहीं बट यू नो ये सेटल नहीं भी है तो भी फ्यूचर में कोई इशू बड़ा होगा नहीं क्योंकि वैसे आइस मेल्ट होने वाली है बट एक और इसमें पैटर्न है ये सेंटेंस था जो पास्ट में था ये सेंटेंस था जो फ्यूचर में था फ्यूचर वाले के चांसेस होते हैं बाद में आने के तो ज्यादा चांस है ये थर्ड वाला क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंडीशन बता रहा है ये थोड़ा बाद में आएगा पास्ट वाला थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा है क्योंकि किसी टॉपिक को हम बैकग्राउंड से इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे कि पास्ट में कैनेडा ने ये लिया था एंड वी कैन सी कि किसी भी सेंटेंस की ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि वो पास्ट को एज अ कॉज एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं वो सिर्फ सिनारियो बता रहे हैं तो उसमें वो जो डिटेल में हम मैंशन करते हैं। पहले हम सिर्फ टॉपिक की बात करते हैं फिर उसकी डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो वाला रूल वाली केस ये है ही नहीं ये सिर्फ जनरल हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो ये पास्ट वाली इन्फॉर्मेशन हमने सोचा स्टार्टिंग के आसपास होगी फ्यूचर वाले एंड में होगी ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट के थे फर्स्ट और फोर्थ ये आइडियली थोड़े बीच में इनके चांस ज्यादा हैं तो अगर हम देखें तो मीनिंग तो डेफिनेटली मैच हो रहा है इसी पैटर्न में बट टेंसेस भी मैच हो रहे हैं कि कैनेडा का हम पास्ट बता रहे हैं उसने ये आइलैंड एक्वायर किए थे और वो अपनी सोवरेनिटी क्लेम करता है यू फिर हम अभी कह रहे हैं कि बट यूएस से ये कहता है कि भाई उसकी राइट है उसके पास है ये सब उसको कोई परमिशन नहीं है कैनेडा की परमिशन लेने की उसको कोई नीड नहीं कैनेडा की परमिशन लेने की भले कैनेडा अपनी अपनी फुल रूल अपना बट मुझे जरूरत नहीं है वो अपना स्टैंड बता रहे अब ये है सेटल द क्वेश्चन ऑफ एक्सेस द थिंग इज ये सेंटेंस तभी आएगा जो हम दोनों की पोजिशन बता पाएंगे कि कोई क्वेश्चन है एक्सेस पे कि को कि कौन जा सकता है उस स्ट्रीट से किसके पास फुल राइट है किसको परमिशन की जरूरत है कौन तो उसको कैसे एक्सेस कर सकता है ये क्वेश्चन है ये दो सेंटेंसेस के बातों में पता चलता है तो नेचुरली भी ये यहाँ आएगा कि यूएस एंड कैनेडा हैव नॉट सेटल द क्वेश्चन फिर थर्ड फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी बता रहे कि वैसे भी आइस फ्री रीजन हो जाने वाला है कोई सिग्निफिकेंस उस पैसेज की ज्यादा बचनी नहीं है किसी की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी यही लड़ाई चल रही है ना किसकी परमिशन की जरूरत है तो वो होगी ही नहीं तो ये पैटर्न है और आप देख सकते हो कि इसमें में भी एक पैटर्न है दिस वॉज फ्यूचरिस्टिक दिस वॉज अबाउट पास दिस वर अबाउट प्रेजेंट तो एक सिनेरियो होता है जब हम किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कुछ भी बता रहे होते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं फिर हम उसका प्रेजेंट डिस्कस करते हैं फिर हम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिस्कस करते हैं मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता के फिर हम पास पे नहीं जाते हैं आइडियली यू नो वेन यू आर अ राइटर तो एक ये फ्लो बहुत कॉमन होता है पास से लेके फ्यूचर तक पहुंचना। तो बहुत कई बार ऐसा होगा कि पैराजल्स में ये पैटर्न आपको मिल जाएगा सो ना वी विल बी बैक विद अनादर एग्जाम्पल वेयर यू कैन अप्लाई द सेम प्रिंसिपल एंड बी बैक विद अन अदर प्रिंसि जो पैराजें्बल्स में अप्लाई होते हैं एंड यू कैन यू कैन कमेंट अबाउट अदर टॉपिक्स ऑल्सो जिसके ऊपर यू वॉन्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड अदर प्रिंसिपल्स दैट कैन हेल्प यू सॉल्व दोज क्वेश्चन बट अभी हम पैराजेंबल्स का नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम सेम प्रिंसिपल को अपलाई करेंगे वी विल सी दैट सो आई होप यू वेव अंडरस्टुड दिस प्रिंसिपल एंड इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन सो थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ट फर यर एग्जाम थैंक यू